अगर आप घूमना चाहते हैं यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी 5000 इंडियन रुपीज में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। What's happening people, I hope you're doing great and welcome to another video on my channel. So let's get started. So प्राग आता है सेंट्रल यूरोप में और ये कैपिटल है चेक रिपब्लिक कंट्री की। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूरोप घूमना चाहते हैं क्योंकि यूरोप एक फैंटेसी रहती है स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से, और वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें भी यूरोप के काफ़ी शूट्स दिखाते हैं, तो हम हमेशा ही यूरोप घूमना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिस कर देते हैं यूरोप घूमना बिकॉज ऑफ द स्टे, क्योंकि हम देखते हैं कंट्रीज़ लाइक पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ का स्टे काफ़ी महंगा होता है, तो हमें लगता है कि वो सारी कंट्रीज़ ही महंगी है। बट कुछ कंट्रीज़ जो मिड यूरोप में आती हैं, जो सेंट्रल यूरोप में आती हैं, वो कंट्रीज़ इतनी महंगी नहीं हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू टू ट्रैवल दोज कंट्रीज। लेट्स टॉक अबाउट किस तरह का वीज़ा लगता है। सो इसके लिए भी वीज़ा लगता है शेंगेन वीज़ा, जो अलाउ करता है हमें 28 कंट्रीज़ घूमना। सो जो कंट्रीज़ इस शेंगेन रीजन में आती हैं लाइक पोलैंड, लाइक जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, सो हम इसी वीज़ा से मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके हम सारी कंट्रीज़ घूम सकते हैं। प्राग में सस्ता एकोमोडेशन और स्टे कैसे बुक करें, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक टू वेबसाइट, फर्स्ट इज़ booking.com एंड सेकेंड इज़ Airbnb। सो आप इन दोनों वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं और इस पे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सस्ते रूम्स मिल जाते हैं और आपकी जो ट्रिप बजट जो आप बना के चल रहे हैं, आपकी ट्रिप उस बजट के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, और इसमें अराउंड आपको रूम्स इवन 1000 रुपीज़ पर नाइट के अकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं। बाकी ये रश के ऊपर डिपेंड करता है, बट यूजुअली 1000 to 1500 इंडियन रुपीज़ में आपकी बुकिंग हो जाएगी। जब मैं प्राग गया था, तो जब मैं पोलैंड से गया था, मैंने ली थी पोल्स की बस, और मेरी राउंड ट्रिप अराउंड कुछ 3000 इंडियन रुपीज़ में हुई थी, और वो काफ़ी बजट, आई गेस काफ़ी बजट में थी। एंड अगर आप जा रहे हैं इंडिया से, तो आई वुड रिकमेंड यू टू बुक फ्लाइट्स थ्रू skyscanner.com, या आप ट्राई कर सकते हैं इवन मेक माई ट्रिप। दे ऑल्सो आर गिविंग क्वाइट गुड डील्स विद, यू कैन यूज़ कूपन कोड्स, तो आपकी फ़्लाइट सस्ती हो जाती है। एक टिप मैं जो देना चाहूँगा कि जो फ़्लाइट्स दुबई से होती हुई जाती हैं, जैसे आप इंडिया में बुक करते हैं और आपकी फ़्लाइट पहले दुबई जाए और दुबई से फिर चेक रिपब्लिक जाए, तो आप वो वाला रूट लीजिए, क्योंकि दुबई से जो फ़्लाइट्स जाती हैं यूजुअली जितना मैंने देखा है वो काफ़ी सस्ते रेट्स में जाती हैं। तो ये मैं टिप आपको देना चाहूँगा जब भी आप प्राग की फ़्लाइट्स बुक करें। तो करेंसी चेक रिपब्लिक में यूज़ होती है, जो प्राग में यूज़ होती है, वो है चेक कोरोना। ये है चेक कोरोना और ये 20 चेक कोरोना है। तो एक चेक कोरोना लगभग 3 इंडियन रुपीज़ के अराउंड होता है। इसकी प्राइस यूजुअली चेंज होती रहती है, एज ए करेंसी है तो फ्लक्चुएट होती है, बट यूजुअली 2 to 3 इंडियन रुपीज़ के बराबर एक चेक कोरोना होता है। सो जैसे ही आप प्राग में अराइव करें, और अगर आप आ रहे हैं किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री से, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप नियरेस्ट ट्रैम स्टेशन जाएं, और अगर आप एयरपोर्ट से किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, सपोज़ इंडिया, तो भी आप नियरेस्ट ट्रैम स्टेशन पे जाएं, और ट्रैम स्टेशन पे जाते ही एक ट्रैम टिकट लें, जो ट्रैम टिकट कुछ ऐसी दिखती है। टिकट वैलिड होती है डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए, कुछ ट्रैम टिकट वैलिड होती हैं 1 आवर के लिए, तो उस 1 आवर में आप कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी ट्रैम में, और कुछ वैलिड होती हैं 90 मिनट्स के लिए। सो डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए हैं, कुछ 24 आवर्स के लिए वैलिड होते हैं, तो अकॉर्डिंग जितनी आपकी यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैम टिकट ले लीजिए और यू कैन ट्रैवल। और इसकी कॉस्टिंग अराउंड जो 60 मिनट्स की होती है वो 24 चेक कोरोना होती है, तो आप 24 चेक कोरोना को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं इट्स अराउंड 75 इंडियन रुपीज़, सो इट्स अ ओके डील। चलिए आपको एक ट्रैम टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके हाथ में होगा लगेज, आपके पास बहुत सारा लगेज होगा, तो उस लगेज को एक प्लेस पे रखने के लिए, आपके अकोमोडेशन पे, आपके स्टे पे रखने के लिए आपको एक इनिशियल ट्रैम टिकट लेनी पड़ेगी। बट उस लगेज को रखने के बाद जब आपको स्टे मिल जाए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोबारा कोई भी ट्रैम ना लें तो बहुत अच्छा होगा, कि प्राग एक ऐसी सिटी है जो आप खुद अकेले, क्योंकि प्राग एक ऐसी सिटी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ
15 टू 20 प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो आप अगर उसे बाय फुट खुद ही ट्रैवल करें बिना किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो मैं एक ही टिप दूंगा कि अगर आपको प्राग ट्रैवल करना है और अच्छे से प्राग देखना है तो उस एक ट्रैम टिकट के बाद दूसरी ट्रैम टिकट बिल्कुल मत लीजिए। ट्रैवल कीजिए प्राग, एक्सप्लोर कीजिए, डिफरेंट टेस्ट देखिए क्या सिटी है, हर चीज़ एक्सप्लोर कीजिए ऑन योर ओन फुट। बिल्कुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मत लीजिए, क्योंकि प्राग की छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी स्ट्रीट्स बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्ड है और there is no need of taking trams and wasting money on it. So I would recommend you to travel Prague on your own foot. So Prague mein jo aap places ghumenge like Charles Bridge, wo totally free hai. If you will go to observation tower, uski cost around 80 Czech korona hogi. If you go to any zoo, Prague castle aur ek do jagah aur hain jo aap jayenge, सो टोटल मिला के आपका 200 चेक कोरोना से ज़्यादा नहीं होगा। सो 200 चेक कोरोना इज़ ऑलमोस्ट 600 इंडियन रुपीज़। सो ये भी बजट में है। अगर आप प्लान करते हैं प्राग का फॉर 3 days एंड 2 nights, तो उसका भी अराउंड अगर आप लगा के चलते हैं 1 day का 1000 rupees, तो अराउंड 2000 rupees फॉर 2 nights। और फिर आपने बुक कराए और फिर आपने प्राग एक्सप्लोर किया अराउंड 600 rupees में, और आपने जो ट्रैम टिकट ली वो अराउंड 100 rupees, तो टोटल मिला के 700 2000, तो 2700 rupees प्लस जो आप खाएंगे, तो अराउंड जो हो जाएगा 5000 के अंदर आप काफ़ी अच्छे से प्राग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये काफ़ी बजट ट्रिप है और अकॉर्डिंग टू यूरोप इट्स वेरी 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 चीप। सो प्राग इज़ समथिंग यू कैन प्लान एंड ट्रैवल। थोड़ी भी सेविंग्स हैं तो आप प्राग के बारे में प्लान कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और एक किक स्टार्ट हो सकती है आपकी यूरोप ट्रिप के लिए। फॉर सम क्विक ट्रैवल मोटिवेशन यू कैन चेक आउट माई प्राग व्लॉग्स। आई हैव पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन इवन चेक द आई बटन। लाइक द वीडियो इफ यू डिड देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु लव टू ट्रैवल यूरोप, और जो ट्रैवल करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो आप उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप यू लाइक इट।